मैं अपने सीरियल में रो रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है। मेरे मम्मी पापा तो बिग बॉस में बैठे हैं। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, ये कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स अंकित एंड प्रियंका, आई वुड से तेजू और फतेह। ऑन स्क्रीन कपल तो ऑफ स्क्रीन भी होना चाहिए। ही इज स्टर्न विद हिज पर्सनालिटी। हाय, दिस इज ट्विंकल अरोड़ा एंड यू आर वॉचिंग टेली डेस्क। ओके, हाय ट्विंकल, वेलकम टू टेली चस्का। टेली चस्का में स्वागत है आपका। अंकित और प्रियंका की बात करें तो नाउ डेज उन लोग बिग बॉस के घर में हैं। क्या लगता है आप कितना फॉलो कर रही हो, और कितना उनको देख के किस तरीके का की फीलिंग्स आ रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकित और प्रियंका को लेकर? मैं अपने सीरियल में रो रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है। मेरे मम्मी पापा तो बिग बॉस में बैठे हैं। तो फॉलो, ऑनेस्टली देखो, मैं उतना ही फॉलो कर पा रही हूँ जितना भी हम सोशल मीडिया पे हैं, यस या मैं उनके स्किल्स निकाल के देख लेती हूँ बिकॉज दे आर माई मॉम डैड। पर जिस हिसाब से रूटीन चल रही है, मैं रेगुलरली बिग बॉस अभी तो वॉच नहीं कर पा रही हूँ। सो व्हाट आई डू इज आई वॉच द पार्ट दैट दे गाइज आर इन, ओके, सो ऑनेस्टली। या ओके, तो क्या लगता है आपको, आप बिग बॉस जितना भी थोड़ा बहुत क्लिप देख रही हैं, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, पैरिंग बनी हुई है अंकित प्रियंका की, सौंदर्य टीना की, शालीन और टीना की, सौंदर्य और गौतम की, तो क्या कहना चाहेंगे किसकी पैरिंग जो है वो ज़्यादा जेन्युइन लगती है आपको? ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, ये कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स अंकित एंड प्रियंका, आई वुड से तेजू और फतेह। यस, सो आई एम आस्किंग कि जैसे अभी वो बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं, आगे भी उनकी ये जो फ्रेंडशिप है इसी तरीके से बनी रहे, या फिर हो सकता है कि इनकी फ्रेंडशिप से आगे भी कुछ एक कदम आगे भी इस ये रिश्ते में वो लें, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगी इसे लेकर? मैं कहना चाहूंगी इसको लेकर, ऑनेस्टली दिस इज द टॉपिक आई वुड से कि जो भी हो दोनों के लिए अच्छा हो। अगर वो फ्रेंडशिप में भी रहते हैं, आई विश देम गुड लक, एंड इफ दे मूव फॉरवर्ड टू फ्रेंडशिप, आई थिंक उनसे ज्यादा ऑडियंस खुश होगी। बट इट डिपेंड्स उनकी लाइफ में, बिकॉज एक चीज मैंने देखी है, बिग बॉस को लेके बहुत प्रेशर रहता है कि ऑन स्क्रीन कपल तो ऑफ स्क्रीन भी होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, आई वुड से उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइसेस है। ऑन स्क्रीन लाइफ डिफरेंट होती है, ऑफ स्क्रीन लाइफ डिफरेंट होती है। यस, चलो ठीक है। विनर क्वालिटीज किस में नजर आती है? आई मीन मॉम डैड तो है ही आपके वहां पर, तो उनमें ही किसी में से नजर आ रही है, या फिर उसके अलावा भी कोई कंटेस्टेंट है जिनको आपको लगता है विनर बन सकते आई एम हैं? नॉट फॉलोइंग बिग बॉस, आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस किसी और के लिए, आई एम जस्ट फॉलोइंग बिग बॉस फॉर देम ओनली। ओके, सो डेफिनेटली मुझे अपने पेरेंट्स, ऑन स्क्रीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्क्रीन फ्रेंड्स में ही क्वालिटी दिखती आएगी। या अंकित के लिए बहुत कुछ ये आया है कि वो बोलते नहीं है, शांत रहता है, बट आई अप्रिशिएट दैट ही इज स्टर्न विद हिज पर्सनालिटी। सो दे बोथ आर वेरी वेरी जेन्युइन, जैसे कि वो बिग बॉस के घर में दिख रहे हैं। ओके, सो ट्विंकल, जाते जाते क्या कुछ फैंस को मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहती हैं? जाते जाते मैं फैंस को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट दे आर गिविंग टू अस, एंड आई वुड जस्ट प्रे कि आप आगे भी ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहो, निहमत को, एकम को, नाज को, सबको, स्पेसिफिकली निहमत को। थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग कलर्स, कीप वॉचिंग गुडारिया, एंड कीप सपोर्टिंग अस, एंड हम आपको ऐसे खुश करते रहेंगे।